हरियाणा दे विच चुनावी माहौल पूरा भख चुकिया है। वख-वख पार्टियां दे वल्लों रैलियां कीतियां जा रहियां ने, लोगों दे विच जाया जा रहा है ते लोगों नूं संबोधन किया जा रहा है। अज करनाल दे असंध दे पिंड बल्ला दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों रैली की गई है। 5 गरंटियां लोगों दे सन्मुख रखियां गईयां ने। भगवंत मान पंजाब दे मुख्यमंत्री अज इस रैली दे विच पहुंचे ते उन्हां ने हरियाणा दी बीजेपी सरकार अते कांग्रेस दे उपर निशाने साधे ने। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जिसने आम लोगों को मंत्री, मुख्यमंत्री, चेयरमैन बनाया। इस बात के लिए मैं तालियां चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों की बारी आ गई, आम लोगों की बारी आ गई। हुण आम लोगों के धियां पुत चेयरमैन बनणगे, मंत्री बनणगे, विधायक बनणगे, मुख्यमंत्री बनणगे, क्यों नहीं बनणगे? की गल भी की कमी है साडे बच्चों च? सानू लाल बत्ती वाली गड्डी च बहना नहीं आता? सानू हैलीकॉप्टर च उतरना नहीं आता? आ जिहड़ा हैलीकॉप्टर खड़ा ना, जर्नी फोटो खिंच लियो, यह इन्हां तो खोया है। इन्हां ने देना नहीं सी आम बंदियां नू, यह लोगों ने लैके दिता। लोगों ने, पंजाब के लोगों ने लैके दिता 92 सीटा दे के 117 चो आ हैलीकॉप्टर लैके दिता। नहीं तो यह समझते सी ये साडे ही हुंदे आ बस। हुण जदे इन्हां दे घरां दे उत्तों दी उड़दा, इन्हां दे बच्चे देखदे ने मम्मी अपने वाला, उह कहिंदी पुत अपने वाला नहीं हैगा, हुण इह तां हुण उन्हां वाला ही हो गया। हुण सुआह हालत है ना, तो कट्ठे होके इस बार बदलाव करो। हरियाणे ने सारियां पार्टियां नूं मौका दिता, कुछ नहीं बनिया। पंजाब ने भी सारिया पार्टियां नूं मौका दिता, जीरो रिजल्ट। तो हुण बदल लो फिर। दिल्ली ने बदल लिया, गड्डी पटरी ते चढ़ गई, स्कूल बन रहे शानदार दिल्ली च। दिल्ली दे स्कूलों चो पढ़ के बच्चे JET, IIT बड़े बड़े एग्जाम पास कर रहे ने। दिल्ली च अस्पताल शानदार हो गए, बिल्कुल फ्री है। चाहे पैरासीटामोल की गोली लेनी होवे, चाहे 40 लाख का कोई ऑपरेशन होवे, बिल्कुल फ्री है। जमा थोड़े नाल पंजाब लगता, इथों फोन करके पूछ लियो। रिश्तेदारियां भी होनिया, दोस्त मित्र भी होंगे। इसे गल तो डरते ने कि जे ये आ गए होर किसी नूं आउण नहीं दिंदे, फिर रस्ते बंद हो जाते ने। दिल्ली में एक बार केजरीवाल आया, उसके बाद कोई आया ही नहीं, रास्ते बंद। अब इनको पता चल गया पंजाब में भी कोई नहीं आएगा, अब इनको पता चल गया ये हरियाणा में आ गए, तो फिर भी यहां भी हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इनकी दुकानें बंद करनी है, जो करप्शन की और आपको आम लोगों को लूटने की दुकानें खोल रखी हैं, ये बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। हम दुकानें खोलने नहीं आए, हम तो अपने अपनी कमाई के साधन छोड़ के आए हैं। भाई साहब बड़ा फेमस कलाकार था, देखा होगा टीवी में आपने, मुझे क्या कमाई की कमी थी? बॉलीवुड में भी जा रहा था, कहीं भी चला जाता, आज भी चला जाऊं वो तो आज भी बुलाते हैं मुझे। मैंने कहा नहीं यार, अब तो लोगों के लेखे लगा दिए यार, अब तो जो होगा देखी जाएगी। इनको वोट देते देते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया? अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने साले, अपने चीचे, बस यहां तक खत्म है इनका काम। दुनिया जाए भाड़ में, पब्लिक जाए भाड़ में, हद है यार। इतना यकीन उठ गया इन लोगों से, पब्लिक का यकीन उठ गया नेताओं से। वो मैंने एक स्टार किया था, व्यंग किया था, एक बार दिल्ली से नेताओं ने सोचा कि मनाली जाते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करके आते हैं, लेकिन गनमैन साथ नहीं लेके जाएंगे, वो सड़क पे रहेंगे, साथ में हमारे गाड़ी में नहीं होंगे। लोगों का यकीन नेताओं के झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अडॉप्ट कर रखा है, ये बात आज से 20 साल पहले मैंने एक CD में कही थी, आज भी वही है। दिल्ली से चले 30 नेता,
बड़ी लग्जरी बस रेंट पे की, यहां से गुजरे शाहबाद से अंबाला से, जैसे ही पंजाब में एंटर हुए बस एक गड्ढे में पलट गई। वहां एक किसान खेतों में काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब सिक्योरिटी को चिंता बढ़ी, इस पॉइंट से तो बस चली गई थी, इस पॉइंट तक बस पहुंची नहीं, इसका मतलब दोनों पॉइंट के बीच में बस है। तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया, सर्च अभियान शुरू किया। उसी किसान से पूछा, इस रंग की और इस नंबर की एक बस थी आपने देखी? उसने कहा हां। कहता कहां है? कहता इस गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब कहां गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। सिक्योरिटी ने पूछा, इसका मतलब उसमें जो सभी नेता सवार थे वो मर गए थे? बोला नहीं नहीं, सभी नहीं मरे थे, अभी 15-20 चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये हालत है भाई साहब, जिंदा होने पर भी हम उनका यकीन नहीं कर रहे, झूठ बोल रहा होगा जो जिंदा नहीं है। मेरी गाड़ी में आधा क्विंटल फूल आ जाते हैं हर रोज, लोग फेंकते हैं, मेरी पगड़ी भर जाती है। जहां भी रात को रहना होता है, जब पगड़ी निकालता हूं तो फूल ही फूल निकलते हैं। यहां से माएं सिर पलोसती हैं, जौंदा रह पुत तेरी उम्र लंबी होवे, बहनें दुआएं देती हैं। नीचे से हम निकल रहे हैं। अरे भाई साहब, यही कहने आए हूं बल्लेवाड़ो कि चद्दर ईमानदार बंदों को पकड़ा दो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी, बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चद्दर चोरों के पास है, शक काम एक दूसरे पर कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं हम सबको। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा